रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ आई स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग GDCE की बात करेंगे, थोड़ा सा पार्ट LDCE का भी जानेंगे, लेकिन पूरा फोकस करेंगे GDCE पर। आप सभी की नई नई ज्वाइनिंग हुई है अभी, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो रेलवे की तैयारी करेंगे और विभाग में जाएंगे, फिर उनको GDCE का मालूम होगा तो सब चीज़ उनके लिए सही रहेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ आपको। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको GDCE से संबंधित बहुत सारी चीज समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। GDCE होता क्या है? जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जब आप ज्वाइन कर लेते हैं रेलवे को तो उसमें विभागीय एग्जाम आपका होता है, तो उसके बारे में हमें पूरा जानना है। आइए हम सीधे काम की बात पर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर GDCE के बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं सारे मैंने आपके लिए इकट्ठा कर लिए हैं। एक एक पॉइंट का मतलब मैं आपको समझा के चलता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो GDCE एग्जाम है उसकी फुल फॉर्म ये रही, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। प्रमोशन का ही एक जरिया है ये एग्जाम। GDCE LDCE दो आपके पास तरीके होते हैं प्रमोशन के, ठीक है, एग्जाम के थ्रू। एक होता है सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन। तो तीन तरीके आपके पास टोटल हो जाते हैं, GDCE LDCE सीनियरिटी बेस्ड। अब देखो, GDCE को हर कोई दे सकता है। हर कोई मतलब वर्किंग एम्प्लॉय, वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का हो। जब आप ग्रुप डी ग्रुप सी के जरिए भर्ती हो जाते हैं तो ग्रुप डी या ग्रुप सी में 17 पोस्ट आती है, कुछ इलेक्ट्रिकल में आती है, कुछ इंजीनियरिंग में आती है। तो इस तरह से GDCE को हर कोई विभाग का, हर कोई डिपार्टमेंट का व्यक्ति उस एग्जाम को दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सामने लिखा है कौन कौन दे सकता है। ऑल एम्प्लॉयज दे सकते हैं, वर्किंग एम्प्लॉयज होने चाहिए। LDCE को ऑल नहीं दे सकते। LDCE के लिए मिनिमम टाइमिंग होती है 3 साल। 3 साल आप जब जॉब पूरा कर लेते हैं उसके बाद आप LDCE में बैठ सकते हैं या LDCE में एग्जाम दे सकते हैं, ठीक। अभी यहाँ पे क्या है, LDCE में देखो रेलवे का सिस्टम क्या है। जब रेलवे के पास वैकेंसी हो जाती है काफी सारी, मान लीजिए एक पैमाना मान लेते हैं हम, रेलवे के पास 1000 खाली सीट्स हो गई हैं, तो रेलवे उन्हें भरना चाहेगा। अब रेलवे उन्हें किस तरीके से भरेगा? उनमें से कुछ GDCE के थ्रू भरेगा, ठीक है, और कुछ ओपन मार्केट में या ओपन एग्जाम के थ्रू भरेगा। जैसे अभी रेलवे की वैकेंसी आने वाली है तो वो ओपनली आएंगी, उसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। लेकिन ओवरऑल वैकेंसीज का, जितनी भी टोटल रेलवे में सीटें खाली हैं, उनका कम से कम 25% GDCE के थ्रू भरा जाएगा। मिनिमम 25% तो GDCE के थ्रू भरा ही जाएगा। सपोज दैट 1000 वैकेंसी हैं रेलवे के पास, तो उसमें से 1000 का 25% यानी कि 250 तो GDCE के थ्रू ही भर दिया जाएगा। और अधिकतम रेलवे कितना भर सकता है? 50%, यानी कि 500 वैकेंसी को रेलवे GDCE के थ्रू भर सकता है। तो 1000 वैकेंसी है रेलवे के पास, मैक्सिमम चाहे तो 500 GDCE से भर लेगा, 500 वैकेंसी बाहर निकालेगा जिसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। आई थिंक आप समझ गए होंगे। GDCE को तो कौन देगा? केवल और केवल एम्प्लॉय ही देगा। तो मिनिमम 25% वैकेंसी फुलफिल होगी रेलवे के द्वारा, या 50% अधिकतम कर सकता है। जैसे एक रेलवे के पास 10,000 अगर वैकेंसी है तो उसमें से GDCE के थ्रू मैक्सिमम 5,000 यानी कि आधी आधी कर लेंगे, और आधी बची जो वो ओपन भर्ती के थ्रू भरा जाएगा, ठीक है। और सेम ग्रेड पे का जो चक्कर है वो क्या है, देखो जब GDCE निकलता है आपका तो GDCE सेम ग्रेड पे के लिए आप नहीं दे सकते, ठीक है, सेम ग्रेड पे के आप नहीं दे सकते। कहने का मतलब आपका 1800 ग्रेड पे है जब आप ग्रुप डी में लगते हैं, और 2800 ग्रेड पे का कोई आपका GDCE निकला तो आप उसे दे सकते हैं, सेम पर नहीं दे सकते। सेम पर अगर आप देंगे तो उसके लिए क्या चीज है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक। तो आप हायर ग्रेड पे GDCE एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। अगर 1800 है, 2800 का आप इजीली भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या है, जो भी GDCE निकला है उसमें कुछ स्पेशल एजुकेशन मांगी जाती है, जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ये निकलते रहते हैं, क्लर्क के निकलते रहते हैं, जूनियर क्लर्क के निकलते रहते हैं। तो कुछ में डिग्री मांगता है, कुछ में डिप्लोमा मांगता है, कुछ में ITI मांग लेता है। तो उसमें जो एजुकेशन मांगी गई है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर वो एजुकेशन आपके पास नहीं है तो आप GDCE नहीं दे पाएंगे, इस बात को भी आप जान लीजिए। आगे मैं आपको लेके चलता हूं इसमें। आगे इसमें आपका नोट RPF और RPSF
जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स जो होती है, जीडीसी को उनका हक नहीं है, मतलब जीडीसी एग्जाम वो नहीं दे सकते, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। सेम ग्रेड पे से अगर आप सेम ग्रेड पे का जीडीसी देना चाहते हैं तो ध्यान रहे क्या कंडीशन होनी चाहिए, जिस पोस्ट पर आप हैं और दूसरी जिस पोस्ट पर आप जीडीसी देना चाहते हैं, तो आपकी जो पोस्ट है वो नॉन सेफ्टी पोस्ट होनी चाहिए। आपकी पोस्ट होगी नॉन सेफ्टी और दूसरी जिस पोस्ट को पाना चाहते हैं जीडीसी के थ्रू वो होनी चाहिए सेफ्टी पोस्ट। सेफ्टी और नॉन सेफ्टी पोस्ट क्या होती है कमेंट करिए, इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना दूंगा डिटेल के साथ में। जीडीसी जो है ओनली फॉर एम्प्लॉयज के लिए होता है, केवल और केवल वर्किंग एम्प्लॉय ही इसको दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात इसमें और निकल के आती है, जैसे बैंगलोर, मैसूरू, हुबली, जो जोन है आपका हुबली, उसमें 3 डिवीजन आते हैं, बैंगलोर डिवीजन, मैसूरू डिवीजन, हुबली डिवीजन। तो जब जीडीसी निकलता है तो डिवीजन लेवल पे तो सभी डिवीजन के एम्प्लॉयज इसमें भाग लेते हैं, सभी इसको भर सकते हैं। लेकिन अगर हम जोन लेवल पे बात करें तो एक जोन में जीडीसी निकला तो उस जोन में दूसरे जोन का सदस्य, दूसरे जोन का एम्प्लॉय अप्लाई नहीं कर सकता। सपोज दैट दिल्ली में जीडीसी निकला है तो उसमें हुबली वाला व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता, भले ही रेलवे पूरा ऑल इंडिया एक हो लेकिन वो अलग अलग जोन में बटा हुआ है, तो अलग अलग जोन का अलग अलग जीडीसी ही होता है। तो एक जोन के जितने डिवीजन हैं सभी उसके एम्प्लॉय उस जीडीसी को दे सकते हैं। जैसे बेंगलुरु, मैसूरू, हुबली, अगर मान लीजिए निकला है हुबली में, हुबली जोन में जीडीसी निकला है तो तीनों डिवीजन के एम्प्लॉयज उसको देंगे। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे आई थिंक। ठीक है, आइए अपियरिंग स्टूडेंट देखिए। सपोज दैट जैसे स्टेशन मास्टर में ग्रेजुएशन मांगी जाती है, ठीक, तो ग्रेजुएशन का अगर आपका थर्ड ईयर चल रहा है तो आप अपियरिंग में हैं तो आप एग्जाम नहीं दे सकते जीडीसी का, आपकी फाइनल हो चुकी होनी चाहिए। क्लियर हो गया इतनी बात? ओके, वेरी गुड। आगे मेडिकल स्टैंडर्ड शुड बी सेम। देखो स्टेशन मास्टर है, गुड्स गार्ड है, इनमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है, जैसे गुड्स गार्ड में A1 मांगा जाता है, तो आपका A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड डाउन है तो जीडीसी आप नहीं दे पाएंगे। अगर जीडीसी आप देंगे भी तो मेडिकल स्टैंडर्ड आप कैसे पास करेंगे, तो उसमें आपको कोई फायदा ही नहीं है। तो जीडीसी में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी उस पोस्ट के लिए होना चाहिए, ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, हाँ अगर ऐसा है कोई जीडीसी निकला और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सपोज दैट B1 है और C1 के लिए जीडीसी निकला तो डेफिनेटली आपके मेडिकल स्टैंडर्ड से वो नीचे है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं, उसमें आपको फायदा भी होगा। ठीक, एज लिमिट क्या है, जो जनरल कैंडिडेट है, यूआर कैंडिडेट है, उसके लिए 42 साल एज लिमिट है, 3 साल का रिजर्वेशन है या 3 साल का छूट मिलती है ओबीसी को 45, और 4 साल की छूट मिलती है एससी एसटी को, 47 साल एज होती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इससे बाहर रखा गया, कोई भी रिजर्वेशन का बेनिफिट यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को नहीं दिया जाता। आइए हम लोग आगे चलते हैं। इसमें देखिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज होते हैं PWBD के, उनको जीडीसी में नहीं मौका मिलता। ठीक, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न सेम ही रहता है, पैटर्न सेम रहेगा। जैसे आपका ग्रुप डी एग्जाम आप देते हैं, मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है और जनरल अवेयरनेस आती है, अब आपका जनरल साइंस आता है, सेम सिलेबस रहेगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम का लेवल उसके मुकाबले आसान रहेगा। रीजन क्या है, ओपन में जब पेपर आता है, भर्ती आती है, तो उसमें कंपटीशन ज्यादा रहता है, तो वहां पे टफ फाइट रहती है, इसलिए पेपर का लेवल अच्छा रखा जाता है। अब विभाग में इतना ज्यादा कंपटीशन रहता नहीं है, फिर भी ओपन के मुकाबले कम कंपटीशन रहता है और सभी वर्किंग एम्प्लॉय रहते हैं, तो वर्किंग के साथ साथ उसी हिसाब से पेपर के लेवल को सेट करते हैं, क्योंकि पढ़ने का टाइम सभी को नॉर्मल ही मिलता है। ठीक, तो ये आपने जान लिया, एग्जाम लेवल सेम रहेगा, लेवल डाउन रहता है ओपन भर्ती के मुकाबले। ठीक है, आगे देखते हैं, निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, कितने समय बाद आप दे सकते हैं, आप जीडीसी को कितने समय बाद भी दे सकते हैं। आपने ज्वाइन किया, आपने आज ज्वाइन किया, आप 1 महीने बाद आराम से दे सकते हैं या 15-20 दिन बाद भी आप दे सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास आपका पीएफ नंबर होना चाहिए, प्रोविडेंट फंड का नंबर मिलता है या उसको एम्प्लॉय नंबर हम बोलते हैं, वो नंबर आपके पास होना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और आपके पास सैलरी स्लिप भी होनी चाहिए, सैलरी स्लिप मतलब 1 महीना तो आपको ड्यूटी करते मिनिमम हो ही गया हो, क्योंकि जब आप ज्वाइन करेंगे तो पूरा 1 महीने के बाद ही आपकी सैलरी स्लिप आएगी। हो सकता है कि अगर आपने किसी महीने के बीच में ज्वाइन किया है तो हो सकता है कि आपकी 45 दिन बाद भी सैलरी स्लिप आए। अगर मान लो आपने 15 तारीख को ज्वाइन किया तो 15 से लेके
पहले ये 15 दिन पूरे होंगे, फिर अगला एक महीना पूरा होगा, तो उस अगले एक महीने के लास्ट में आपकी सैलरी स्लिप आ सकती है। तो वो कंडीशन आपकी ध्यान रखें, अगर आपने शुरू में ज्वाइन किया है तो सैलरी स्लिप आपके पास होगा और पीएफ नंबर आपके पास होगा, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको कहां से समझाई है, कहां से समझाई मैंने आपको, नोटिफिकेशन से। तो नोटिफिकेशन में आप चाहे तो देख सकते हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ नोटिफिकेशन में, मैंने उन चीजों को सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैं सिलेबस भी दिखा दूंगा आपको कि सिलेबस आपका क्या होता है इन एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सिलेबस भी इतना बड़ा इशू नहीं है, सिलेबस भी हम जान लेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूं इसके बारे में कि कहां पर क्या क्या चीजें लिखी हुई। देखिए आप दिखाई दे रहा होगा एज लिमिट, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। 42 साल है जनरल कैंडिडेट के लिए, 47 साल है आपका एस सी एस टी के लिए, 45 साल है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक। तो ये तो एक पुराना नोटिफिकेशन है 2022 का, नया नोटिफिकेशन नहीं है, बट सारी चीजें नोटिफिकेशन में मेंशन रहती हैं। इसमें सिलेबस भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, जो सिलेबस होगा आपका एग्जाम का वो भी नॉर्मली रहता है, ठीक है। जो आपका हर एग्जाम के लिए सिलेबस रहता है वही सिलेबस रहेगा। देखिए रेलवे का हर एग्जाम का सिलेबस सेम है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री एलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। तो ये सिलेबस सारा का सारा सेम है। रीजनिंग का भी सेम आप देख सकते हैं, एनालॉजीज, कॉम्पिलेशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशियंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, सारा का सारा सिलेबस सेम है। जनरल अवेयरनेस का देखेंगे वही सारा है, साइंस वाइंस इसमें सब चीजें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर सब वही है सिलेबस। बस मैंने क्या कहा कि एग्जाम का स्तर थोड़ा सा आसान आएगा बाहर के एग्जाम के मुकाबले जो ओपन भर्ती से होते हैं। मैंने जीडीसी के ऊपर मेरे कुछ एम्प्लॉयज थे, मेरे जोन के एम्प्लॉयज थे, उनके साथ जीडीसी का एग्जाम होने के कुछ दिन बाद ही मैंने एक वीडियो शूट किया था, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे मैं उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है जीडीसी को लेकर तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, पूरी कोशिश होगी कि मैं उस कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दूं। एलडीसी की फुल डिटेल मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और अगर हाँ आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। मैंने कैसे सिलेक्शन लिया, किस किस तरीके से मैंने बहुत आसान तरीके से सिलेक्शन लिया, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय, सी यू सून।